हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू धानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों, हमेशा हमारा टॉपिक हम लोग आपको बताते हैं, ड्रोन्स के बारे में बताते हैं। आज आपका ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपका मतलब जो भी कस्टमर्स हमारा वीडियो में कमेंट्स करते हैं, जो भी कमेंट्स लिखते हैं, सवाल पूछते हैं, वो सवालों का जवाब आज हम ये वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, सारे कमेंट्स मेरा कलीग सिद्धू के पास है। हमारा ये सेल्स मैनेजर है सिद्धू, और वो पढ़ेंगे कमेंट्स और उसका जवाब मैं आज का वीडियो में आपको देने वाला हूं। और ऐसे ही हर वीक ऐसा ही रहेगा, आपका जो भी डाउट्स रहेगा ड्रोन्स को लेकर, डीजेआई ड्रोन्स को लेकर, आप हमें कमेंट्स सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एवरी वीक आपका जो भी सवाल रहेगा, एक एक वीडियो बनेगा और उसमें हम लोग जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। सबका आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपका कमेंट्स रहेगा, वो इंपॉर्टेंट कमेंट्स को हम लोग एक कलेक्शन किए हैं और उसी का ही जवाब आज देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट कमेंट किसका है और क्या पूछना चाहते हैं हमारा कस्टमर? फर्स्ट कमेंट है, ड्रोन का प्राइस क्या है? प्राइस किसका? प्राइस नहीं, वो तो नहीं लिखा है ड्रोन का नाम है, जस्ट लिखा है प्राइस। ड्रोन का प्राइस क्या है? हाँ, लेकिन प्राइस किसका प्राइस चाहिए वो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिनी 4 प्रो का प्राइस क्या है? ओके, मिनी 4 प्रो का प्राइस क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिनी 2 एसी का क्या प्राइस है? प्राइस 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 दोस्तों, बहुत सारा वीडियोस में मैं बता रखा हूँ कि प्राइस जो रहता है हम लोग वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको प्राइस, लेटेस्ट प्राइस चाहिए, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारा वेबसाइट है धानी एंटरप्राइजेस.com। आप गूगल में सर्च करके लेटेस्ट प्राइस का जानकारी उसमें से आपको मिल जाएगा। हम लोग प्राइस क्यों नहीं बताते वीडियो में? जैसे कि मैं बता दूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, DJI Mavic Mini स्टैंडर्ड का प्राइस 33,000 था। आज तक लोग मुझे परेशान करते हैं, उस टाइम पर 33 था, अभी क्यों इतना प्राइस बढ़ गया? मैं बता देता हूँ, DJI का ड्रोन्स हर एक दो दिन में प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है प्राइस का। अगर आज एक मान लीजिए मिनी 2 एसी का प्राइस बता दिया कि हाँ 55,000 है, कल देखेंगे तो वो प्राइस 60,000 हो जाएगा। फिर अगर कल मैं कोई कस्टमर को बोलूँगा 60,000 है, तो कस्टमर मुझे गाली देंगे, आप तो वीडियो में 55 बताए थे, अभी क्यों 60 बता रहे हैं? तो उसीलिए, यही रीजन के वजह से कोई भी ड्रोन्स का प्राइस वीडियो में हम लोग बता नहीं सकते। लेटेस्ट प्राइस के लिए हमें डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो हमारा वेबसाइट धानी एंटरप्राइजेस.com विजिट कीजिए। तो प्राइस का आज हो गया। बहुत सारा कस्टमर ऐसे भी कमेंट दिए थे कि नो प्राइस नो सब्सक्राइब, आपको प्राइस जानकारी नहीं दी है तो सब्सक्राइब नहीं बनता है। तो ये चीज़ है, ये रीज़न ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए हम लोग प्राइस के डिटेल्स नहीं आपको बता सकते। नेक्स्ट क्या है सिद्धू? नेक्स्ट कमेंट है, ड्रोन लेना है वही, लेकिन EMI पर लेना है। Okay. फैसिलिटी कैसे ले, EMI का बताना। ओके, किसका है कमेंट? ये है नेचर वीलॉग्स 9। नेचर ब्लॉग्स, ओके। अगर कस्टमर देख रहे हैं, नेचर ब्लॉग्स का व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि EMI का जो फैसिलिटी है, काफ़ी सारा मुझे हर दिन 15 से 20 कॉल आता है कि बजाज EMI होता है क्या। मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि बजाज जो EMI है हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बजाज का कोई भी EMI सिस्टम हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। EMI के लिए सिर्फ सिंगल मीडियम है, वो है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, बैंक का क्रेडिट कार्ड से आपका EMI कन्वर्ट हो सकता है। हमारे पास है पाइन लैब का मशीन है, स्वाइप मशीन है, इसके थ्रू अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और जो अमाउंट का आप EMI करना चाहते हैं उतने का आपका क्रेडिट कार्ड में लिमिट होना चाहिए, उसके बाद हमारा मशीन में स्वाइप करके डायरेक्टली EMI का ऑप्शन आ जाता है। 3 मंथ टू लेकर 24 मंथ तक आप कितना भी ड्यूरेशन का EMI कन्वर्ट कर सकते हैं आपका अमाउंट का। तो याद रखिए, ओनली क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन हमारे पास है, ना ही बजाज कार्ड का है, ना ही डेबिट कार्ड का है, बाकी कोई भी फाइनेंस का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आपको EMI के लिए ओनली क्रेडिट कार्ड EMI करना पड़ेगा। तो ये EMI का एक कस्टमर भी इंक्वायरी कर रहे थे कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैसे रहेगा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है कि वो कार्ड टू कार्ड, बैंक टू बैंक वेरीज करता है। मुझे बहुत सारा कस्टमर पूछते हैं सिद्धू कि आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो कैलकुलेशन ऐसा नहीं रहता है। जब भी EMI का कैलकुलेशन आपको जानना है, आप हमारा वेबसाइट में डायरेक्ट जाकर ARPA का ऑप्शन सिलेक्ट करके उधर EMI कैलकुलेशन देख सकते हैं, नहीं तो आपको इधर ये मशीन में
कार्ड स्वाइप करने के बाद ही आपको परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कार्ड के हिसाब से शो करता है। बैंक टू बैंक वेरीज होता है, कार्ड टू कार्ड वेरीज होता है, तो कोई भी कंफर्म मतलब ऐसा फिक्स नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जान लीजिए आपका जो लगभग अराउंड लगता है 14-15% लगता है, और क्रेडिट कार्ड में प्रोसेसिंग फी 2.5% प्रोसेसिंग फी लगता है, 2.88% प्रोसेसिंग फी लगता है। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का पूरा, आपको आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिद्धू क्या है? ये नेक्स्ट कमेंट तो बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया नहीं है मतलब बड़ा है। ओ, बहुत बड़ा है। मैं जो क्या बढ़िया भाई, DKF6 ड्रोन प्राइस 3299 RS का ड्रोन था भाई, पर 22/7/2024 को ऑर्डर आया अमेजोन से, पर वो ड्रोन सस्ता निकला। DKF22 भाई नॉन ब्रशलेस मोटर ड्रोन सस्ता निकला, तो जितना पैसा देंगे उतने का ही ड्रोन निकलेगा ना। दूसरी बात मैं बता दूं कि DJI का ड्रोन अमेजोन में नहीं मिलता है। काफ़ी सारा कस्टमर्स अभी भी हमारे साथ आर्गुमेंट करते हैं कि मिनी 2 मिल रहा है आपको अमेजोन में 14,000 में, आप क्यों इतना 75,000 में बेच रहे हैं, ये क्या है, ऐसा बोलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं मिनी 2 का बैटरी भी नहीं मिलेगा आपको 14,000 में, मिनी 3 प्रो मिलता है आपको 20,000 में अमेजोन में, सारे के सारे स्कैम है। DJI का ड्रोन अमेजोन में सेल नहीं होता है, उसके रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रखा हूँ, वो वीडियो को आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर एक बार देखिए, नहीं तो बहुत बड़ा स्कैम में आप पड़ सकते हैं। तो सिद्धू नेक्स्ट कमेंट क्या है कस्टमर का? नेक्स्ट कमेंट है, एक भाई साहब ने लिखा है कि मिनी 4 प्रो फ्लाइमोर कॉम्बो प्लस लेना है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? हाँ देखिए, अगर आपको मिनी 4 प्रो लेना है और आपके पास पैसा नहीं है तो उनका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। मिनी 4 प्रो के बदले आपको करीब 8-10 साल हमारे ऑफिस में फ्री में काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी हमको करना पड़ेगा, 10 साल के बाद आपको एक मिनी 4 प्रो हम लोग फ्री में देने वाले हैं। दोस्तों ऐसा कमेंट मत लिखिए, कोई भी फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। एक कमेंट था ना सिद्धू, कुछ तो गिव अवे कर दो मिनी 2 AC का। हम लोग इधर गिव अवे करने के लिए नहीं बैठे हैं, इधर बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है, और मुफ्त में जो मिलता है वो चीज़ का कीमत नहीं रहता है, वैल्यू ही नहीं रहता है। मतलब कुछ चीज़ अगर आपका मेहनत से आप इनकम कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। तो कभी भी फ्री का चीज़ों का दिमाग से निकाल दीजिए, फिर फ्री में कुछ नहीं मिलता है और फ्री में कुछ रखा ही नहीं है। तो सिद्धू नेक्स्ट कमेंट, तुझे मैं बोला था यार कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट लिख कर कलेक्ट कर, तो क्या क्या कमेंट करके रखा है। ठीक है नेक्स्ट कमेंट क्या है? नेक्स्ट कमेंट है DJI मिनी 4 के कब आएगा? मिनी 4 के नॉट मिनी 4 प्रो। ओके ओके, DJI मिनी 4 के कब आएगा? जी हाँ दोस्तों मैं बता दूं कि चाइना में करीब 1-1.5 महीना हो गया है DJI मिनी 4 के बोल के एक न्यू मॉडल आ गया है। DJI मैवेक मिनी जो मॉडल था उसके बदले DJI मिनी 4 के आ गया है। जी हाँ दोस्तों DJI मिनी 4 के जो है मैवेक मिनी में 2.7 के था और 15 मीटर हाइट रेस्ट्रिक्शन था, मिनी 4 के में 4 के कैमरा आ गया है। जैसे मिनी 2 में था 4 के, वैसे ही मिनी मैवेक मिनी में ही 4 के कैमरा आ गया है। ऊपर से हाइट रेस्ट्रिक्शन जो है वो भी 120 मीटर हाइट हो गया है। बेस्ट मॉडल है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो मॉडल इंडिया के लिए नहीं है, वो मॉडल ओनली फॉर चाइना है, कोई भी कंट्रीज में वो मॉडल आया नहीं है। लेकिन मैं एक गुड न्यूज़ बता दूं कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं DJI मिनी 4 के। जी हाँ दोस्तों ये स्टैंडर्ड मॉडल है, DJI मिनी 4 के मॉडल है। इसका प्राइस जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, और ये मॉडल मिनी 4 के आपको शायद और कोई सेलर के पास देखने के लिए ना मिले, क्योंकि ये मॉडल सारे कंट्रीज के लिए नहीं है, ओनली फॉर चाइना है, और इसका स्टॉक हमेशा भी अवेलेबल नहीं रहेगा। जब तक है तब तक के लिए आप परचेस कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में इसका लिस्टिंग नहीं किए हैं क्योंकि इसका क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो आप इसका परचेस करने के लिए हमारा डायरेक्ट ऑफलाइन स्टोर में आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि कटक स्टोर में ये अवेलेबल नहीं है, ओनली पुणे स्टोर में है, तो आकर ये परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है? नेक्स्ट कमेंट है, ये तो हुआ है फिर भी पढ़ लेता हूँ, EMI में अवेलेबल हो पाएगा क्या सर? तो इसका तो आंसर कर चुके हैं। सेम आंसर है, क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन हमारे पास है, बजाज कार्ड या कोई भी फाइनेंस नहीं होगा। ये तो बकवास कमेंट डाला है। क्या है? यू आर ग्रेट सर। अरे तो मेरा कोई तारीफ करता है तो इसको बहुत जलन होता है ये बंदे को।
यू आर ग्रेट सर लिख दिया तो इसको बहुत बकवास लगा कमेंट, क्या बोलने का बता दे कमेंट है, बिजनेस ही तो कर रहे हैं हम लोग, क्या थोड़ी दान थोड़ी कर रहे हैं। हां वो सही बात बोला, हम लोग थोड़ी ना दान कर रहे हैं, दो हम लोग ग्रेट होंगे। एक 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 चीज है, अगर कंपेयर करेंगे अदर वेबसाइट या अदर सेलर से तो काफी हम लोग कम प्राइस में देते हैं कस्टमर को, एक उसके लिए ग्रेट बोल सकते हैं। हाँ, प्राइस से अप डाउन होता है लेकिन सर्विस, और सर्विस जो है, हाँ यस, मैं सर्विस का बोल सकता हूँ कि हम कोई हमसे बेटर सर्विस दे दे मैं लिख कर दे दूंगा, कोई हमसे बेटर सर्विस दे 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 तो मान जाऊंगा। हम लोग सर्विस देने के चक्कर में काफ़ी लॉस सहे हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर को कभी डिससेटिस्फाई नहीं किए हैं। रिसेंटली जो हमने दिया था ना मिनी 4 प्रो का, एक कस्टमर का 7 साल बिजनेस में फर्स्ट टाइम मिनी 4 प्रो का एक प्रॉब्लम मिला। प्रॉब्लम मतलब उनका रिमोट है जो मिनी 4 प्रो का DJI RC2, वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था, वो टेक्निकल इशू है, DJI सर्वर की तरफ से टेक्निकल इशू था। वो औरंगाबाद का कस्टमर है, वो नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो आने वाला है, वो कस्टमर को हम लोग कैसे प्रोसेस, उनको कैसे रिप्लेसमेंट दिए, कैसे ट्रीट किए, वो पूरा डिटेल्स एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर हम लोग बनाए हैं। और वो कस्टमर को पूरा का पूरा न्यू ड्रोन्स, उनको वो सील ओपन करके वो पूरा देखे एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वो वाला हम लोग रिटर्न ले लिए, एक पूरा ब्रांड न्यू ड्रोन उनको दिए। तो ये है हमारा सर्विस, उसका लॉस पूरा हम लोग बियर किए। तो सर्विस के लिए हम लोग ऑब्वियसली आप तारीफ कर सकते हैं कि कोई कंप्लेन नहीं कर सकता हमारे गेस्ट में। हमने जैसे बताया कि टेक्निकल इश्यू के लिए हम लोग वारंटी मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ये एक्चुअली टेक्निकल था इसलिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट रिप्लेस करके लिए। अगर आप किसी का एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह होता है तो उसके लिए जस्ट कॉस्ट वगैरह लगता है, राइट। नेक्स्ट कमेंट क्या है? नेक्स्ट है, आप लोग कैसे लाते हो फिर? कौन सा क्या लाते, क्या लाते हो? क्या तो कुछ तो लिखा है ना ड्रोन, ओके ओके, ड्रोन्स रूल के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, हमने एक वीडियो बनाया था कि ड्रोन्स इंपोर्ट करना इलीगल है, उसका क्या रूल्स है। तो उसके ऊपर कस्टमर ने, क्या नाम है इनका, हरिदे भरद्वाज 9958 जिन्हें लिखे हैं, आप लोग कैसे लाते हो? हाँ, अगर इम्पोर्ट इलीगल है तो आप लोग कैसे लाते हो? हम लोग उड़ा कर लाते हैं आसमान से, चाइना से डायरेक्ट उड़ाते हैं, इधर ही टेक इधर ही लैंड करवाते हैं। दोस्तों ये कैसे लाते हैं, हम लोग कैसे इम्पोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। हम लोग का डायरेक्ट इम्पोर्ट क्या रहता है, कैसा रहता है, वो हम लोग कुछ भी जैसे प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकते, वो अलग प्रोसेस रहता है, सबका अलग अलग सब बिजनेस क्राइटेरिया रहता है। तो वो चीज़ कभी भी कोई बिजनेसमैन ये डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है। लेकिन आप जान लीजिए, जो ड्रोन्स परचेस करने के, जो भी प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए जो भी लाइसेंस चाहिए, वो सारे लाइसेंस हमारे पास है, ऊपर भी लगा हुआ है, सारे लाइसेंस का कॉपी ऊपर लगा हुआ है। अगर आप कटक ब्रांच विजिट करेंगे उधर भी हमारा पूरा लाइसेंस का कॉपी पूरा डिस्प्ले किया गया है, जो भी कस्टमर चाहे तो देख सकते हैं, हमारा वो पूरा ओपन फील्ड है। नेक्स्ट क्या है सिद्धू? नेक्स्ट है, Can anybody upload micro category drone footage on YouTube without having license? Okay, जैसे कि ये किसने, क्या है उनका नाम, Happy Minds, Happy Minds जिन्हें बहुत हैप्पी है वो वो क्या है, क्या कमेंट किए कि अगर मैं जो लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि रूल्स के बारे में, जैसे मैं लास्ट कमेंट्स में पढ़ रहा था, रूल्स के ऊपर मैं एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, देखिए कौन सा कैटेगरी का ड्रोन्स के लिए लाइसेंस चाहिए, कौन सा ड्रोन्स का कैटेगरी के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। इन्होंने पूछा है माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन्स में अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं उसको यूट्यूब में डाल कर सकते हैं कि नहीं विदाउट लाइसेंस, मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि माइक्रो कैटेगरी मींस जो रहता है वो 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक रहता है, वो माइक्रो कैटेगरी रहता है। और वो सारे ड्रोन्स के लिए आपको अगर पर्सनली एज पर DGCA रूल, अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। और इन्होंने जैसे बोले कि आप क्या वीडियो हम लोग यूट्यूब में डाल सकते क्या, और यूट्यूब में अगर डाल रहे तो एक कमर्शियल यूज़ हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फाइनली यूट्यूब का रिजल्ट क्या है, एक प्रोफेशनल यूज, मतलब कुछ इनकम करने के लिए हम लोग यूट्यूब में डाल रहे, तो वो एक प्रोफेशनल यूज हो गया, उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है अगर आप DGCA का रूल 100% फॉलो कर रहे, तो बाकी आपका मर्जी। नेक्स्ट वीडियो क्या है? इसमें HDMI सपोर्ट है क्या, वॉल LED पे लाइव के लिए, लाइव और जूम भी करता है? ओके, मिनी 4 प्रो के लिए ना, ओके दोस्तों मैं बता दूं कि मिनी 4 प्रो में जो आता है रिमोट, वो है DJI RC2 रिमोट आता है, जिसमें HDMI पोर्ट का प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन
आप उस पर लाइव भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हूँ, मिनी 4 प्रो में लाइव कैसे किया जा सकता है, वो वीडियो पूरा देखिए, आप हमारे चैनल में है। एक सिंपली एक छोटा सा केबल मिलता है सी टाइप टू HDMI, हमारे पास भी वो अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वो केबल का प्राइस रहता है 1000 रुपीज़। वो केबल से कनेक्ट होता है, ऐसा नॉर्मल केबल से नहीं होगा, स्पेशली वो DJI का ही केबल रहता है। वो केबल से आप डायरेक्टली सी टाइप जो रहता है DJI RC2 में लगाइए, डायरेक्ट USB आप TV में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी लगाइए, डायरेक्ट लाइव हो सकता है। तो मिनी 4 प्रो में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट सर, आपका शॉप ओडिशा में भी है? जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में भी हमारा शॉप है। हो गया करीब 3 से 4 महीना हो गया ओडिशा में, हमारा एक न्यू ब्रांच ओपन किए हैं, काफ़ी बड़ा ब्रांच है, 2500 स्क्वायर फीट का वो शोरूम है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो कोलकाता, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो साइड का जो भी कस्टमर्स है उधर जाकर आप डायरेक्टली ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। तो सिद्धू, आज के लिए बस इतना ही, इधर ही स्टॉप कर लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीक फिर से आपका कमेंट्स लेकर हम लोग आएंगे, आपका जो भी सवाल रहेगा सवाल का सारे जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन प्राइस मत पूछिए, 1000 मैसेज आता है प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस मत पूछिए। प्राइस के लिए आप हमारा डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कीजिए, नहीं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए। अभी एक सिद्धू एक प्रेजेंटेशन बना रहा है जिसमें हर एक मॉडल का स्पेसिफिकेशन के साथ साथ लेटेस्ट प्राइस क्या रहेगा वो भी रेडी हो गया ना सिद्धू, लगभग रेडी। अभी मिनी कैटेगरी का, मिनी कैटेगरी का रेडी हो गया। अगर आप चाहे तो व्हाट्सअप के थ्रू वो PPT भी देख सक मंगा सकते हैं और देख सकते हैं लेटेस्ट प्राइस। लेकिन हमारा वेबसाइट ही ओपन फील्ड है, वेबसाइट में आप प्राइस चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, हमारे पास ये वीक में क्या क्या लेटेस्ट ड्रोन आया है, कितना स्टॉक है, क्या क्या न्यू मॉडल आया है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय जगन्नाथ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय।